भोलेनाथ सबके साथ प्राण गणे सिद्धेश्वर भुवनेश्वर ईश्वर को जागृत कर कोटलिंग कोटिर उपर खबर ले अमार दिन मणि महेश काटे कॉलेज बसते रहे तुम्हार देश आदेश सिद्धि सिद्धि का दाता गजानन भगवान की जय हो। इस तरह का जीवन आप कल्पना कर सकते हो और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। स्मोट बिन्ना खरगट चंबा डलहौजी यहाँ से आपको डाइवर्ट होती है रोड साइड चंबा की तरफ, ये स्मोट की तरफ और ये शाहपुर की तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आपका नए आज के फ्रेश ब्लॉग में। तो आज दोस्तों आपको हम एक बढ़िया सी वैली पे लेके जाने वाले हैं और हमारे साथ हमारा वही पुराना याराना है, आप देख सकते हो गोलू भाई हमारे ब्लॉग्स में थे, आज आपको मिलाने वाले हैं। ये रहे गोलू भाई और ये शानू भाई। शानू भाई हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू? बस बढ़िया है, हमारी ऑडियंस तो बढ़िया एकदम। आप सुनाओ, आप कैसे हो? हम सब ठीक हैं, थोड़ा कपिल भाई के साथ हम आज ब्लॉग बनाने आए हैं। एक नंबर लोकेशन, बने रहिए वीडियो में। और आपको सामने दिख रहा होगा हमारे गोलू भाई। और गोलू भाई फिलहाल आज हम कहाँ जा रहे हैं? सियुंता स्मोट से होते हुए हम जाएंगे धुलारा से बाया बो और सलीद रीणी को। पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि ये ट्रैक हमने कंप्लीट करने को रहता था, तो फिलहाल आज हम निकल दिए हैं और दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं और हमें डे नाइट का मैच की तरह होगा आज का जो ब्लॉग हो रहा है। तो आधा कुछ हम आपको दिन ढलते हुए का दिखा रहे हैं और कुछ कुछ एक पल हम आपको शाम के दिखाएंगे जब दिन और रात मिलते हैं। तो फिलहाल ये ब्यूटीफुल लोकेशन देख सकते हो, हम अभी जा रहे हैं सियुंता स्मोट होते हुए शाहपुर से 10 किलोमीटर आगे हमने यहाँ रुक के ब्लॉग बनाना शुरू किया है और एक्चुअली लेट हो गए हैं, टाइम जल्दी कवर करना है हमने। ठंड से बचने के लिए यही एक हमारे पास प्रोसीजर है कि जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ही हमारी धनो, इसके साथ हम जाने वाले हैं और ये हमें अभी हम ट्रिपलिंग किए हैं। दोस्तों आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, ट्रिपलिंग ना करें इस पहाड़ी एरिया में। हमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर हम इस एरिया में जाते आते रहे हैं और फुल एक्सपीरियंस है। आप कुछ भी ऐसा ना करें। फोन चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों ब्यूटीफुल व्यू, स्मोट यहां से 26 किलोमीटर है और दोस्तों मोटी ठंड लग रही है, अभी ठंड लगना शुरू हो गया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे पेठा खाने के लिए आए हुए हैं और चलते चलते पेठा खाते हैं। भाई जी कैसे हो? आ गया मैं आज, आओ फिर आओ। ये रेडी नहीं है,
खुद बनता है पेठा पूरा। तो भाई जी अभी पेठा बना रहे हैं और कुछ करते हैं और ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पेठे को। और चलते चलते हमने इच्छा जाहिर की गोलू भाई ने कि पेठा खाते हैं, तो फिलहाल पेठा खा रहे हैं। ये ब्यूटीफुल लोकेशन है, ककरोटी गट्टा है ना, ककरोटी गट्टा है ना, इससे आगे लोदड़गढ़ पड़ता है। भैया हमें पेठा खिलाओ। यहाँ से फिलहाल ये पेठा थोड़ा सा लिया जस्ट हमें, मिठाई तो खाने के बड़े ज्यादा शौकीन है हम, और नो डाउट इस पे कि शुगर से डर नहीं लगता है अभी, और जी भर के खाते हैं शुगर को। और सॉफ्ट सा है एकदम से, अंगूरी पेठे की तरह टेस्ट आ रहा है भैया, वो बढ़िया बना है। तो ये देख सकते हो भैया ने पेठे पेठे रखे हैं और खुद का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी पेठा। ये स्वीट पंपकिन मीठा कद्दू भैया कैसे किलो दे रहे हो परचून में? 160 रुपए किलो दे रहे हो परचून में। आप भी खाओ तो? अपने पास जो आइटम होता है वो कौन खाता है? वही सही है, आप लोग तो खाओ। आप लोग पिखा ट्राई कर सकते हैं जो कि अभी भी मैन्युफैक्चर की है भाई ने। और पेठे की आपको ज्यादा डिमांड भी देनी हो और तो वो भैया के पास आप दे सकते हो। भैया आपका फोन नंबर शेयर करोगे? 78199 07 63। तो भैया का यह फोन नंबर है, आपको ऑर्डर देने हो तो भैया को डायरेक्ट भी दे सकते हो और मेरे थ्रू भी दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, शाम होने वाली है, ठंड से बचना है हमें और सफर थोड़ा लंबा है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी जल्दी चलते चलते। जय माता भगवती, जय माता। भाई जी की शॉप में आए हुए हैं स्मोट में हम, और ये फिलहाल अपने लिए मफलर लिया है और शाम हो गई है, ठंड आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है, तो इसको हम कान को ढकने के काम आएगा, कुछ इस तरह से हम इसको बांध लेंगे। सन ऑफ सरदार जट तो हम पहले से है ही। और ये शानू जी ठीक है? यस सर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। यस, अभी शाम दिन और शाम ढल रहे हैं और स्मोट मैन की शॉप है। भाई जी आपका शुभ नाम? कुलवीर सिंह। अच्छा कुलवीर सिंह, बहुत प्यारा नाम भाई जी, आप ही की तरह नाम है, बहुत प्यारा। और भाई जी की शॉप पे विजिट कर सकते हो आप, और भाई जी की शॉप की ये लोकेशन है, ये स्मोट की मार्केट, खूबसूरत बस स्टैंड के साथ में ही है ये शॉप, आए यहाँ पे विजिट करें। तो कुछ इस तरह का लुक ये बन के आ रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अभी शाम हो गई है, बड़ी ज्यादा ठंड है, अभी बड़ी ज्यादा ठंड है, तो ये जरूरी है, काम आएगा जिससे कि बड़ी ज्यादा ठंड रुकेगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया हमें यहाँ स्मोट में, लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से। लोकां में तो अंज मिलना ही ना, कल्ले तो हम बोलना भाई ये तो लोकेशन ही दसनी है, लोकेशन बताएंगे गोलू भाई हमें, जनता वो चला को दी मैंने दसनी है इस टाइम कोई भी लोकेशन में सब कुछ दसना नहीं रहा। मिलेगा मिलेगा, वेट एंड वॉच, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पे टू बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो ये देख सकते हो दोस्तों, स्मोट से अभी चले हैं वापिस और ये सनसेट का डेंजरस व्यू आप देख सकते हो, और ये हमारी टीम गाइस कैसे हो आप लोग? चिल यार चिल, एक नंबर। फिलहाल दोस्तों हम फिलहाल यहाँ पे आए थे, हम जस्ट अपने एक दोस्त से मिले, हम दोस्त से हमारे यहाँ से
कुछ पर्सनल बात थी आपसे, इस बारे में हम बाद में बताएंगे कि क्या काम है और हमारा कुछ प्लान बन रहा है फ्यूचर के बारे में। तो आज की आज का जो विजिट था स्मोट में और ये यहाँ से जो लिंक है ये टुंडी है ना दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो स्मोट बिन्ना खरगट चंबा डलहौजी चुड़वाड़ी, यहाँ से आपको डाइवर्ट होती है रोड चंबा की तरफ, ये स्मोट की तरफ और ये शाहपुर की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा मंदिर है स्मोट से। अति बार हमें अंधेरा हो गया तो आप देख सकते हो बाहर किस तरह से अंधेरा छा गया है। और अभी हम यहाँ पे मंदिर है मंदिर की ओर खींचे चले आए। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो बड़ा ही सौभाग्य है। और आप देख सकते हो ये भोलेनाथ की, एक्चुअली आज मैं सुबह मैंने भोलेनाथ से कुछ मांगा था और मुझे वो मिल गया। और यही शक्ति है भोलेनाथ की कि भक्ति में शक्ति है दोस्तों। मैंने कुछ विश मांगी थी भोलेनाथ से और मुझे ये मिल गई है। और दास को अपनी भक्ति की शक्ति देना प्रभु। बहुत ही प्यारा मंदिर है और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे कुटिया है, बाबा जी बैठे हुए हैं तो बाबा जी को वैसे तो परेशान नहीं करेंगे हम। तो बाबा जी का आश्रम है यहाँ पे और ये बहुत ही प्यारा दोस्तों। ये हमें कौन सी लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है भाई? अभी हम ककरोटी गट्टा से नीचे हैं, मतलब बड़ी पीछे रह गया। सुनता से 2 किलोमीटर आगे है ये मंदिर। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और मेरा तो ये ड्रीम है कि भोलेनाथ अपने करीब रख ले मुझे। तो अभी हम महात्मा जी से मिलने जा रहे हैं। तो आज हम आपको एक पुण्य आत्मा जी से मिलवाने वाले हैं। जो यहाँ पे सौभाग्य है इनका और हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों, ये सौभाग्य है। ये इस तरह का जीवन आप कल्पना कर सकते हो और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। बाबा जी की कुटिया है, मंदिर साथ में है, भव्य शिवलिंग है भोलेनाथ जी का। आज इस कुटिया में बाबा जी के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। बाबा जी थैंक यू हमें आज्ञा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाबा जी से कुछ सीखने को मिलेगा और हम ज्ञान की बातें ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई भूखा नहीं रहता है। फोन न के कोई लेके आया है न फोन लेके कोई जाने वाला है। मतलब फोन को ही खड़ी जिंदगी मत भाव भाई। क्या मनुष्य का अंदर एक फोन भी मनुष्य ने बनाया है। तुम लोग थोड़ा चलाने का चेष्टा करो, मोल मोबाइल थोड़ी सब कुछ है। बाबा जी ने हमारे यहाँ पे सब कुछ है क्लास ले ली है। क्या हमारे लिए बोले सब कुछ है, बाकी कुछ मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य ने ही मोबाइल का चक्कर में पड़ेंगे तो कैसे चलेगा। आज से 50 साल पहले मोबाइल इंटरनेट कोई चीज नहीं था, कम्युनिकेशन वो बढ़िया था बाबा जी। देखो भाई भाई ऐसे फोन पर करके बैठा होता है, बात नहीं करते साथ में। सच बात है, खिले होने की तरह खेल रहे हैं। खेलने में आ गया, खेलने की बात है बाबा जी। उसको ले ट्विटर, अच्छी बात करो, अच्छी चीज है। तुम लोग शिक्षित आदमी है। बिल्कुल बाबा जी, हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोन के साथ ज्यादा मत खेलो और इसको सही से इस्तेमाल करो। और क्या, और ये चाहे कुछ भी बन सकता है फोन की मदद से। ये सच में आज के बंदा कुछ भी बन सकता समय की बड़ी ज्यादा समस्या बन चुकी है फोन। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब अगर बंदा थोड़ा चाहे जो फोन छोड़ के जो तुम्हें चाहो जो आज का युग में अभी जो कुछ भी कर सकता है, मन का भावना लो तब कुछ कर सको। बाबा जी ने रखा फोन, बाबा जी हमारी वीडियो देखा करो आप, हम बनाते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो आप, ऐसे ना ब्लॉग वीडियो बना के हम इंटरनेट में डालते हैं।
जैसे आपको भी ना ऐसे मतलब घूमने जाते हैं अपने घर की बच्चों की फैमिली की, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं वो दिखाते हैं, जैसे कि समझने वाला समझ जाए उसको, अपनी भाव है उसका किसी का। हमारा मोटिव ये है और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें बोलनी है हमने, बुरा नहीं बोलना है अपनी बात इसमें, उनको वीडियो बनाना वाला बात नहीं है, अच्छी उसका नॉलेज का बात, हाँ नॉलेज का बात बोलो, अच्छी व्यवहार बताओ। बाबा जी वैसे आप कहाँ से? वैसे मेरे जन्म स्थान अभी काशी का रख लो। संन्यास कैसे सोच लिया आपने? हमें जिज्ञासा है प्रभु जी सुनने के लिए कि संन्यास के बारे में एक एक बहुत ही देखो संन्यास बड़ा कदम होता है अपने आप में, और संन्यास दृढ़ संकल्प बना के ही बंदा कोई आ सकता है। बस मार में पिताजी गुजार गया, शुरू करने भोलेनाथ सबके साथ टन गणेश सिद्धेश्वर भुवनेश्वर ईश्वर को जागृत कर कोटलिंग कोटिर उपर खबर ले अमार दिन। मणि महेश काटे कॉलेज बसते रहे तुम्हार देश आदेश रिद्धि सिद्धि का दाता गजानन भगवान की जय हो। बाबा जी से फिलहाल हम अभी टन गणेश सिद्धेश्वर भुवनेश्वर ईश्वर को जागृत कर कोटलिंग कोटिर उपर खबर ले अमार दिन। अलग निरा मणि महेश काटो कॉलेज बसते रहे तुम्हार देश आदेश रिद्धि सिद्धि का दाता गजानन भगवान की जय हो। मेरा भूला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ जी शंभुनाथ जी। तो बाबा जी यहाँ पे ये चीज संतों के लिए बनी है दोस्तों, इस चीज को ट्राई हर कोई ना करे, और ये इनकी साधना के लिए जरूरी होती है। जो ग्रस्त में है जो वो इस चीज से दूर रहे दोस्तों, हम ग्रस्त यहाँ पे चलते चलते बाबा जी के दर्शन करने आए हुए थे। हमको खुद करना है, भगवान का थोड़ी है धर्म, अल्लाह का मानुष का इंसान का धर्म है, ये कर्म करना है। भगवान से भी लड़ना पड़ता है जरूरी है, वो धीरे धोने से उससे भी लड़ना है, ये तो करना है नहीं बाबू। ये बात चलो तुम लोग को यात्रा मंगलमय है, किंतु लाल चाय भी बना के रखा था किंतु तुम लोग पिया नहीं, बदमाशी है। खाली लक्की बाबा याद करेगा, आहार कोई पंडित नहीं याद करेगा, ऐसा थोड़ी है। हमें तो चार पांच दिन फोन किया है, हम बोला है बाहर गया है वो भक्तो बच्चा, चाबी खुद ही कर लेता है कैसा है, घर में गया है हमको रास्ता में दिखाई नहीं गया। चलो कर्म पे तो गया है हम जानता ही है, मैंने जिस टाइम शादी शुदा होता है ना उस टाइम एक पंडित जी ने बांधता है क्या आप और तुम्हारा मर जाओगे ना शरीर भी बांध के ले जाकर शमशान घाट तक, क्या मर जाओगे तो वो शमशान घाट तक बांध के ले जाएगा, तो एक जगह ही नहीं तीन जगह बांध देगा, क्या है क्या नहीं। तुम लोग जो हिंदू धर्म का आदमी होगा तुम लोग पहले तुम लोग हिंदू है हमारे हिंदू क्या तो शमशान घाट में कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू बांध के ले जाएगा, इसीलिए बाकी बंधन अच्छा नहीं है, बाकी तो बहुत पुकार का बंधन है क्या, किंतु ये जो तीन बंधन जो है ये बहुत खतरनाक बंधन है, वो पांच मिनट तुम्हारे क्या ज्ञान दिया है कोई पता नहीं बातों में, पांच मिनट के पांच सेकंड तुमको क्या इसे में पांच सेकंड का अंदर किन क्या क्या शब्द जो तुमको पढ़ाया मंत्र पढ़ाया आत्मिक जिंदगी भर उसी में ही भटकते रहो, जिंदगी भर उसमें अंदर भटकते रहो, ये नाम साधु ये नाम सन्यासी क्या नहीं साधु सन्यासी क्या
साधु संत ऋषि मुनि जोगी, हम लोग को साधु का अंदर एक पंथ है, ये सब रैंक है। जैसे हम लोग को भारत सरकार तुम्हारा कोई भी नौकरी करोगे सर्विस करो, 5 साल का बाद तुम्हारा प्रमोशन आता है, हम लोग को संत का अंदर भी 10 साल 12 साल का बाद पोस्ट बोल सकते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, पोस्ट बोल सकते हैं हम, पोजीशन बोल सकते हैं, पोजीशन। भगवान बदलते रहता है, नहीं तो कोई गुरु बदलते रहता है। एक 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 पे डोर रखो, एक डोर होना चाहिए महाराज। किंतु जो का अंदर मनुष्य को इसको बदलते रहता है, तो ये बंधन है, बंधन का इसलिए गोलू भाई करके बताओ कैसे बैठे थे अब बताओ, एक बार बताओ करके, नहीं करके तो बताओ, अब वीडियो बनाएगा ना तब भेजेगा ना। मैं बताता हूँ, ये पकड़ गोलू भाई ऐसे करके बैठे थे ना दोस्तों, नहीं ऐसे करके बैठे थे दोस्तों, तो महाराज जी ने बोला कि ऐसे नहीं बैठते हैं और ये बंधन होता है एक तरह का, तो महाराज जी फिलहाल बंधन टूट गया ना, बंधन टूट गया और इस चीज को नोट माइंड में रखनी है ये बात, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना है। बस गलतियां होती रहती हैं, हर किसी से होती हैं, बस गलतियों को वो दोहराए ना और सफलता की ओर बार बार प्रयास करते रहे, एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है दोस्तों जिंदगी में, यही एक मोटिव है हमारी आज की वीडियो का। और आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक, शेयर भी कर दें साथ में ही, और आप बताएं आपको क्या कुछ अच्छा लगा आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो में, तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय शिवा जय भोलेनाथ हर हर महादेव। ये टाइम हो रहा है जाते जाते को 8:23 टाइम है, एग्जैक्ट टाइम की बात करें, और गोलू जी शूज डाल रहे हैं फिलहाल और मैंने रेडी हो गया हूँ बिल्कुल, जा रहे हैं, ये देख सकते हो मंदिर, मंदिर का व्यू और आसमान में मुट्ठी ठंड है दोस्तों, अभी तो आवाज नहीं निकल रही और कप कपी, और धन्नो हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है और ऊपर का व्यू देख सकते हो आप, मुट्ठी ठंड अभी।